Assalamu alaikum guys and welcome to MZ Reactions. It's me Hasnain Raja and it's me Abedin Abbasi. Today we are going to react on Prithvi Raj official trailer. Okay. Ji haan guys, kafi mahine pehle iska teaser aaya tha. तो बहुत महीनों के बाद इसका ट्रेलर आ चुका है. आपको पता है जैसे इसकी स्टार कास्ट में है अक्षय कुमार, संजय दत्त, सोनू सूद एंड मनुषी चिल्लार. मनुषी चिल्लार बिग स्टार कास्ट. यस, इट्स अ बिग स्टार कास्ट. मतलब संजय दत्त, अक्षय कुमार, बिल्कुल काफी बड़ी कास्ट है इसकी. और ये मूवी भी डेफिनेटली, क्योंकि बेसिकली ये हिस्ट्री पर बनी है. ठीक है, तो जो लेकिन जो इसमें जो एक्ट्रेस है मनुषी चिल्लार, ये आई थिंक मिस इंडिया का अवार्ड जीत चुकी है या मिस वर्ल्ड, पता नहीं कोई अवार्ड इनको मिला था. इनको मिला था हाँ. और ये इनकी डेब्यू फिल्म है. ओके, यस, पृथ्वीराज गाइस. और ये यशराज फिल्म के बैनर तले बनी है, तो ऑब्वियसली ये मूवी तो अच्छी होगी. और डेफिनेटली बड़े एक्टर अगर इसमें आ रहे हैं हाँ, ऑब्वियसली कुछ हमें अच्छा देखने को मिलेगा. यस, वी आर ऑलरेडी एक्साइटेड, क्योंकि इसका टीजर तो बहुत, आपको पता जैसे शॉर्ट सा होता है तो टीजर में तो आपको कुछ नहीं पता चलता, लेकिन जो मूवी की लुक शुक नजर आ रही थी बहुत ही मजे की थी गाइस. तो अब हमें चलना चाहिए इसके ट्रेलर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब. yes. और इस बेल आइकन को भी करना है प्रेस. yes. चलते हैं वीडियो की तरफ. 12th सेंचुरी रिश्ते से नहीं, योग्यता से चुना जाता है. 12th सेंचुरी की दुनिया. यस, जंग यानी कि जो है ना, जरा बैटल टाइप. ओके, और न्याय के लिए. ओके, ओ सोनू सूद थे. पृथ्वीराज चौहान का दिल्ली के सिंहासन पर राज्याभिषेक किया जाता है. अच्छी है फिर मूवी, अच्छी होने जा रही है यार. एक राजकुमारी ने एक राजकुमार की वीरता की कहानियां सुन सुनकर सपने बुन लिए. ओह, शी इज लुकिंग गॉर्जियस. एक दिन घोड़े पर वो राजकुमार आएगा और उसे ले जाएगा. मेरे नाम का तीर और मुझ पर ही चला है. इश्क का दाग मैंने दिल पर. अच्छा, जरा लव स्टोरी. हां, यस, अब विधाता भी इसे नहीं मिटा पाता. 12th सेंचुरी का लव. हां, यस, ओल्ड लव. वो पृथ्वी को चुनौती दे. ओ संजय दत्त. आओ, ठीक है. पृथ्वी चंद्रक मुझे चंद्रदाई भी कहते हैं. वाल्मीकि है, नरेंद्र की एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त है. यस, तो पृथ्वीराज चौहान है. खान कहां है कभी का. सुल्तान मोहम्मद खोई. सुल्तान मोहम्मद दिल्ली. ओ सुल्तान से कहना कि अगर वे युद्ध चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ. वैसे इस तरह की मूवीज काफी बिजनेस करती है ना. यस, पद्मावती जैसे. जो हिंदुस्तान की ओर उठेगी. Big battle ground. Yes. This is. आप सोच सकते हैं जो रिश्ता गंगा और पवित्रता का है, जो रिश्ता पानी और प्यास का है, जो रिश्ता सांस और जीवन का है. Ooh, celebrate true love. विजय. तो जिंदगी चाहते हैं सम्राट तो दिल्ली सुल्तान के हवाले करें. अच्छा, अपनी जिंदगी के बदले में मैं सुल्तान को अपने वतन की मुट्ठी में मिट्टी भी ना दूं. ओह, दिल्ली भी चाहूं मुहिम है. धर्म के लिए जिया हूं, धर्म के लिए मरूंगा. ओह, सम लाइंस. आदित्य चोपड़ा. Yes. Oh, 3rd June. Okay, 3rd June. करीब ही है मतलब. Yes, very near. Next month. Yes. तो मतलब बहुत ही मजे का ट्रेलर था ना. थोड़ा इस तरह की ओल्ड, जिस तरह की मूवीज हमें देखी पहले, मोहनजोदड़ो थी, जिस तरह एक ऋतिक रोशन की थी. गो के वो फ्लॉप चली गई थी पता है. हाँ, उस, वो फ्लॉप हो गई थी. लेकिन इसके अलावा हाँ, इसके अलावा जैसे रामलीला थी, पद्मावत थी, एंड एक और थी बाजीराव मस्तानी. बाहुबली को भी आप लगा सकते. बाहुबली भी स्टोरी बेस मतलब लुक थी ना. लेकिन ये आई थिंक जो है ना, ये ट्रू हिस्ट्री है. ये जो है ना, ये ट्रू हिस्ट्री है. लेकिन हाँ, बाहुबली तो एक मतलब एक ख्याल था ना. एनिमेशन थी. यस, एक ख्याल भी था ना कि वो तो मतलब किसी बाहुबली कोई योद्धा तो था नहीं आई थिंक.
तो लेकिन ये जो स्टोरी लग रही है गाइस, देखो हिस्ट्री बेस्ड स्टोरी लोगों को पसंद आती है, ठीक है, जो मतलब हिस्ट्री को लाइक करते हैं वो तो डेफिनेटली इसको जाके देखते हैं, लेकिन इसमें जो जैसे हमने पहले बात की थी कि हमें लगा एकदम पढ़ते ही स्टार कास्ट के नाम कि इसमें तीन बड़े एक्टर्स हैं जैसे अक्षय कुमार, संजय दत्त एंड सोनू सूद, और न्यूली डेब्यूट एक्ट्रेस जो है डेब्यूट एक्ट्रेस मनुषी चिल्ला, तो इनका भी डेब्यू हो रहा है, तो डेफिनेटली मूवी ये बॉक्स ऑफिस पे चलेगी, और यशराज बैनर तले है तो तब भी चलेगी। और अगर इस जो ट्रेलर हमने देखा, यानी कि जो हमारे जो रिव्यू है इस पर, तो मतलब हमें ये ट्रेलर अच्छा लगा है, क्योंकि डेफिनेटली यार अक्षय कुमार की जो लास्ट मूवी आई थी रीमेक जो आई थी बच्चन पांडे, यार उससे तो बेटर ही है ना, बिल्कुल, मतलब यशराज की है तो रीमेक तो नहीं होगा ना, वो तो रीमेक इतना नहीं बनाते, नहीं बनाते। अक्षय कुमार थोड़ा सा मायूस कर रहे थे हमें, बिल्कुल बहुत ज्यादा वो रीमेक्स बना रहे थे, लेकिन अभी ये मूवी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसके हमने देखा ना कि इसके टीजर में पहले काफी पहले आया था और काफी टाइम बाद इसका ट्रेलर आया, बिल्कुल, तो ऑब्वियसली कुछ टाइम लगा है तो मूवी भी कुछ हमें अच्छी देखने को मिली। हाँ, और इस तरह स्टोरी बेस जो है ना ओल्ड हिस्ट्री पे बनाई गई फिल्म काफी मतलब अरसे के बाद आ रही है, काफी सालों के बाद आ रही है, तो डेफिनेटली मेरे ख्याल में आई थिंक जो है ना ऑडियंस इसको लाइक करेगी, क्योंकि हमने इसे लाइक किया है तो हम भी ऑडियंस ही है ना, तो उस प्रस्पेक्टिव से मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, और आदित्य चोपड़ा ने ये मूवी डायरेक्ट की है और वो भी बहुत बड़े डायरेक्टर, बिल्कुल बहुत बड़े डायरेक्टर, ओल्ड लुक में ओल्ड सब कुछ गए होंगे, ये तो बनाना थोड़ा मुश्किल हुआ होगा, लेकिन आदित्य चोपड़ा थे तो ऑब्वियसली कुछ अच्छा ही हमें देखा। हाँ, और लास्ट में जैसे हमें लाइन्स भी दिखाई गई, कुछ 3D लाइन्स भी हमें देखने को मिले, तो मतलब वो भी काफी क्वाइट इंटरेस्टिंग सा होगा, तो मतलब जो लोग लोग क्योंकि ये चीजें ऐसी चीजें मैंने देखा है ना कि पसंद करते हैं, जैसे अभी रिसेंटली RRR में जैसे जो जूनियर NTR की जो एंट्री थी तो वो भी जरा लाइन के साथ थी, उन्होंने लाइन को यानी कि वो टाइगर था बेसिकली, तो टाइगर को उन्होंने अपने रस्ट कंजे में लिया था, उसको कैद किया था, काफी सारे जंगली जानवर उसमें थे। हाँ, और उसके बाद जंगली जानवर भी आए थे जैसे वो उन्होंने महल में एंट्री की थी, तो इस तरह की जो चीज है ना जो वो ऑडियंस को पसंद आती है तो ऑडियंस उनको लाइक करती है और वो खुशी से देखती है मूवी, जिसकी वजह से मूवी हिट हो जाती है गाइस, तो ऐसी स्टोरीज देनी बनती है, क्योंकि के अगर आप वैसे ही स्टोरीज होगे तो मुझे अच्छा नहीं जाएगा, कुछ इस तरह की दुखना नहीं होगा, मतलब ट्रू इवेंट से इंस्पायर बनी हुई है तो फिर ऑब्वियसली थोड़ी अच्छी होगी, और दिल्ली को बचाने के लिए कोई शायद मुहिम चल रही थी या इस बिल्कुल इस तरह का कुछ था 12th सेंचुरी और साथ में और साथ में लव स्टोरी बड़े जोरों पर चल रही है यार, लव स्टोरी भी, लव स्टोरी लाइक हां, अगर लव ना हो तो फिर हाँ, मतलब लेकिन ये होता है ना कि हिस्ट्री में जो अक्सर मूवीज हमने देखी है ना स्नेल, उसमें ये होता है कि मतलब जो लव होता है वो थोड़ा रखा जाता है, बिल्कुल, लेकिन जो ये बॉलीवुड बना रहा है ना हिस्ट्री पे मूवी, इसमें लव को कुछ ज्यादा ही रखा जा रहा है, ये लव को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं ना, बिल्कुल ये लव को थोड़ा ज्यादा रखते हैं, और ये जो हिस्ट्री बेस्ड मूवीज होती है ना, या तो ये चलती नहीं है, बिल्कुल फ्लॉप हो जाती है, या फिर चलती है तो बहुत ज्यादा बिजनेस करती है, बिल्कुल, जिस तरह आमिर खान ने एक मूवी बनाई थी, उनके साथ थे वो, कौन सी मूवी थी, अमिताभ बच्चन भी उनके साथ, हाँ, थे, हाँ, हाँ। वो पता नहीं उस मूवी का क्या नाम, वो भी इतनी कोई हिट नहीं गई थी, लेकिन जो हिट होती है जिस तरह बाहुबली दूसरी तीसरी, हाँ, और इस तरह इसकी हाँ। सलमान खान ने एक मूवी बनाई थी वीर, हाँ वीर, वीर भी बहुत हिट गई थी सलमान खान की, मतलब वो उनकी जो है करियर की बहुत बेस्ट मूवी थी वीर भी, हाँ मतलब ये अगर मूवीज चलना शुरू होती है तो बहुत ज्यादा बिजनेस करती है, नहीं चलती तो बिल्कुल ही फ्लॉप हो गई। यार असल में जो ये इसमें जो एक पूरा एक सेटअप दिखाया जाता है ना मूवी में, जो पूरी सिनेमेटोग्राफी होती है वो ओल्ड लुक सी जो होती है, वो लोगों को बहुत अट्रैक्ट करती है, और अगर ऊपर से वो स्टोरी भी अच्छी हो उसमें yes. मतलब सस्पेंस हो, थ्रिल हो, यानी कि जो क्लाइमैक्स सीन जो मूवीज के होते हैं वो मजे के हों, तो ऑडियंस फिर वो तो मतलब सोने पर सुहागे वाली बात है ना, तो वो मतलब बहुत ही मजे की हो जाती है, तो फिर ऑडियंस डेफिनेटली उसको लाइक करती है। बहरहाल गाइज ये सीन सिंपल ये कि हमें ये ट्रेलर पसंद आया है, हम तो मूवी रिलीज होगी तो इसे डेफिनेटली देखेंगे, बड़े शौक से देखेंगे, क्योंकि तीन मेन एक्टर्स जो हैं इसमें, तो आई होप आप लोगों को इस पे हमारा रिएक्शन भी पसंद आया होगा। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं पसंद आया होगा, ओपन एयर में हमने रिएक्शन दिया, ऑब्वियसली अगर आपको इस तरह की हमारी और वीडियोस देखनी है तो वो भी आपको मिलेंगी। हाँ बल्कि आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें बता दें कि हमें इनडोर रिएक्शन देने चाहिए या आउटडोर। हाँ मिक्स ठीक होते हैं ना, थोड़े मिक्सिंग ठीक है, आउटडोर थोड़ा अच्छा होता है, तो अभी क्योंकि बड़े मजे का मौसम हुआ हुआ है, मतलब बड़े मजे के बादल भी हैं, जैसे बारिश भी लग पड़ेगी, तो उससे पहले हमने रिएक्शंस खत्म करने हैं। तो गाइस आई होप आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो मेक श्योर आपने हमारी इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और हमें कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको पृथ्वीराज का ट्रेलर कैसा लगा, आप कितने एक्साइटेड हैं इसको वॉच करने के लिए। यस, और एट द एंड आपने करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, अल्लाह हाफिज़।